भाई यार जिंदगी के असली मजा पता कौन ले रहे हैं, मैंने फुल मजा। ऑटो कुल्लू पहुंच गया भाई, मैंने कहा ये दिखी है जगह, यहाँ कुल्लू मनाली में चीजें बहुत गजब गजब है। व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार नहा धोकर रेडी होके आज हम निकल रहे हैं। बस मैंने जो आपको कहा था कि ट्रिप रेडी है और पहाड़ों पे निकल रहे हैं, और अभी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहे हैं, वो जैसे जैसे जाते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा। बाकी जिन्होंने गैस करना है वो गैस कर सकते हैं। 400 किलोमीटर के आसपास होगा हमारे घर से, जलंधर मेरा घर है, और पहाड़ों पे आप तब तक गैस कर सकते हो कहाँ पर जा रहा हूँ मैं। बाकी गाड़ियों में बैठ के बाकी चीज़ें तो आपको बताते रहेंगे, और जैसा जैसा सफ़र जाता रहेगा वैसा वैसा आपको मज़ा आता रहेगा। और भाई बहुत ही मज़ेदार सीरीज शुरू होने वाली है, बस इतना जान लो आप। स्टे ट्यून्ड एंड बस यार गैस करते रहो और बस बने रहो व्लॉग के साथ, एंड तक देखना आपको मज़ा आएगा और सीरीज पूरी देखनी है ये वाली। अच्छा चलो यार गाड़ी में बैठते हैं अब सीधा। 370 किलोमीटर है भाई, और बस पेट्रोल वगैरह भरवा के हवा भरा चेक करवा रहे हैं, फुल करवा ली है, देखते हैं अब कब तक पहुंचते हैं। गैस करते रहो गाइस, बहुत तगड़ी सीरीज शुरू होने वाली है। बस तो भाई अब ड्राइविंग सीट पे आ गया तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा भाई उड़ाएगा, और बस चंडीगढ़ के थ्रू जा रहे हैं। बाकी यार गैस करते रहो, नहीं पता लग रहा था कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रखो सब कुछ बताएंगे ब्लॉग में। सो लेट्स गो यार, माता रानी का नाम लेते हैं, सब कुछ बढ़िया हो, अच्छे से जाएं, अच्छे से आए और अच्छा ब्लॉग बना के आप सभी को देंगे। लेट्स गो। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, ये देख लो चाचा दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई निकले ना निकले उनको कोई मतलब नहीं है, वो दोनों बातें कर रहे हैं आराम से बैठ के, देख लो। और जिन जिन को नहीं पता चला है भाई उन लोगों को बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में कहाँ जा रहे हैं। पहले एक और टोल आ रहा है, एक और टोल दे दें, कितने टोल आ गए यार, लेकिन सड़कें भाई गजब है अभी तक तो। ये रूपनगर से थोड़ा आगे आ गए हैं हम, सड़कें अभी तक तो बढ़िया लग रही हैं। जहाँ कोई दिक्कत होगी मैं बताऊँगा सभी को कि यहाँ दिक्कत है भाई, ये थोड़ा ध्यान से चलना। लेकिन अभी टोल आ गया सामने, 500 मीटर बाद दिखाई दे रहा है, टोल वगैरह देते हैं। लेकिन सड़कें देखो अब कितनी प्यारी बना दी है उन्होंने, और बस बढ़िया यार सड़कें तो, ये 500 मीटर और सामने थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए, और पता नहीं अब कहाँ के पहाड़ हैं। टोल आ रहा है, टोल देते हैं, अब मैं आ गया हूँ थोड़ा वापस अपनी सीट पर, मैंने कहा थोड़ा बहुत खाए पिए, तब तक पापा जी चला रहे हैं हमारे, तो ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है पापा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो टोल चेक करो आप, दूर से ही पता लग रहा है भाई कि टोल है कोई, टोल ही बंद निकले यार, नहीं टोल यहाँ पर नहीं टोल है अभी तक, सिर्फ दो टोल आए थे, ये टोल नहीं आ रहा, बंद है टोल ये। भाई गूगल पता नहीं कहाँ से ले आया, लेकिन रास्ते बहुत बढ़िया हैं। अब जिन जिन को नहीं पता चला भाई बता दिया उनको, मनाली है ये, रास्ते पे कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को मेरे सिवाय। अब दो तीन गाड़ियाँ दिखी हैं पीछे, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा यार, रुका था थोड़ा सा ब्रेक के लिए, अब रास्ता बढ़िया दिखा रहा है यहाँ से, अभी चलते हैं। और जिन जिन को नहीं पता उनको मैंने बोर्ड दिखाई दिया कि भाई मनाली जा रहे हैं, बाकी बातें तो ठीक है, डाल दो बाकी बातें तो ठीक है भाई, लेकिन मनाली बहुत दूर है यार, वो तो है, लेकिन वहाँ जाके अगर मज़ा आया तो फिर सब कुछ पूरा हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी मज़ा पीते हैं और चलते हैं भाई, फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी काफ़ी पड़ा है, 172 किलोमीटर के आसपास पड़ा है, अभी 207 किलोमीटर हो भी गए। रास्ते की बात कर रहा था मैं आपके साथ, वो रास्ते पे कभी मत आना यार, ये क्यों नहीं आना है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, बोर्ड भले बोर्ड बनाया हुआ उन्होंने, लिखा हुआ मनाली, गूगल दूसरा बता रहा, मैंने कहा नहीं नहीं गूगल छोड़ो, यहाँ बोर्ड लिखा है, बोर्ड बढ़िया होते हैं गूगल से, लेकिन देख लो ये क्या हो गया, रास्ता ही बंद है आगे, वापस जा रहे हैं यू टर्न मार के, पूरे 2-3 किलोमीटर वेस्ट हो गया अपना टाइम। चलो कोई बात नहीं, 4:25 की जगह 5:25 पहुंच जाएंगे, और क्या। गूगल ने तो कहा है 5 बजे तक आसपास पहुंच जाओगे आप, लेकिन भाई हम यहाँ भी रुक गए हैं तो देखते हैं, बाकी आज जिम भी रह गया अपना, चलो अब देखना घूमेंगे भाई, मजे आएंगे पहाड़ में अपने।
फुल मजे लेने आए हैं भाई, ऑसम। और वहाँ पर भी किसने कहा है कि स्नोफॉल पड़ी हुई है, मतलब पड़ी हुई मतलब साइड पे उन्होंने निकाल के रखी हुई है, स्नो फ्रेश नहीं है। मतलब यार आजकल मैंने डली मतलब पड़ी होंगी यार, और एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी होंगी वहाँ पर देखते हैं, जो भी करते हैं, तो सारा कुछ आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा यार। आप बने रहो, देखते रहो, प्यार देते रहो, मोटिवेट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स करेंगे। इंटरनेशनल कोई सोचा हुआ इस साल करनी है 2-3, अगर आपका प्यार रहा तो कर देंगे यार वो भी। स्टे ट्यून्ड और मिलता हूँ यार, बाकी कोई भी बात होगी मैं शेयर करता हूँ। ओके। इधर कोई नदी है क्या क्या है वो अपने को नहीं मालूम, इधर है। और इधर खाने के लिए रुके हैं, थोड़ा कुलचा वगैरह। पीछे व्यू देखो आप, बड़ा व्यू, बढ़िया ना। बस ऐसे ही यार, आपको भी व्यू के मज़े दिलवा रहे हैं हम, और बढ़िया यार। ट्रैफिक भी ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। फोटो बढ़िया आ रही है यार यहाँ पर ना, फोटो बहुत बढ़िया आई है, मैं लगाऊंगा यहाँ पर, देखना आप। और इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना यार, एक्टिव है मैं वहीं पर हूँ। व्लॉग तो 2-3 दिन लेट आएगा क्योंकि घर जाऊँगा तभी एडिटिंग करूँगा, यहाँ पर नेटवर्क का मेरे को कुछ पता नहीं है। पीछे व्यू बढ़िया था, मैंने कहा चलो एक फ़ोटो मार लेते हैं, और फोटो तो बढ़िया आ गई है। इंस्टा पे फॉलो करो यार, नीचे लिखा आता होगा अंशुल प्लैनेट, ताकि कोई भी ट्रिप पे हो मैं बिहाइंड द सीन्स हो, और क्या माहौल चाल चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब कुछ पता लगेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। वो जाके फॉलो करो यार, अंशुल प्लैनेट नीचे लिखा आया होगा। फोटो जरूर चेक करना इंस्टाग्राम पे, गो फॉलो यार। और यहाँ पर सब्सक्राइब इन्होंने किया हुआ ना, उनको नोटिफिकेशन नहीं आता होगा भाई, नोटिफिकेशन के लिए आपको दबाना पड़ेगा यार, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, बेल आइकन पाओ जाके। ओके। व्यू देखो भाई, रह गया भाई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रह गया। टाइम एक बार देख कर बताता हूँ, टाइम देख लो यार, जिन जिनको देखना आता है कितना हुआ है, ठीक है। देखते हैं कब पहुँचते, 1 घंटा लग जाएगा और मैक्सिमम। ले भी जाना है लेकिन अभी नहीं, फिर जाएंगे ले। पहले इसका रिस्पांस देखते हैं कैसा आता है आपकी तरफ से, मोटिवेशन मिलेगी तो ले भी चलेंगे किसी दिन। मिल गया बहुत बढ़िया, दिखाता हूँ एक मिनट रुको, दिखाता हमारे क्या पकड़ रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं। पहुंच गया भाई, मैंने कहा ये दिखी है जगह, यहाँ पर रुके, ये पुल सा बना हुआ है ब्रिज टाइप। नीचे देखो ठंडी हवा भाई, फुल नजारे भाई, फुल नजारे, असली जिंदगी मजे भाई। अब पहले मैं सोचता इतनी दूर आ गए हैं जलंधर से, लेकिन अब वसूल हो गए इतना दूर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना, फिर मानते हो ना मेरी बात, मैंने कहा था चलते हैं घूमने। देख लो भाई क्या नजारे हो गए यहाँ पर, तो एक आधी रील रूल शूट करते हैं और फिर जाते हैं गाड़ी उठा के सीधा मनाली रील शूट करने। तेज हवा चल रही है, मजा आ रहा है, मजा फुल मजा। ऑटो वगैरह लंग रहे हैं मतलब निकल रहे हैं। हमने उन्होंने रास्ता थोड़ा ब्लॉक किया हुआ, 1 मिनट ये निकल जाए फिर बढ़िया सी रील बनाते हैं और चलते हैं गाड़ी में वापस। आगे भाई रील वगैरह शूट करके, बाकी आप देख लेना इंस्टा पे, मैंने बताया हुआ अपना इंशुल प्लैनेट है, वहाँ पर जाके देखना। और यार व्हीकल्स बहुत आ रहे थे जा रहे थे, कभी बाइक कभी एक्टिवा कभी मोटरसाइकिल, तो इसलिए कम ही बनाया मैंने। बाकी अब जा रहे हैं यार मनाली सीधा, नेक्स्ट स्टॉप सीधा मनाली जाके रुक। भाई मैंने आपको बोला था सीधा मनाली रुकूंगा, लेकिन भाई कुल्लू मनाली में चीज़ें बहुत गजब गजब हैं, तो मैं यहीं रुक गया हूँ। यार सामने रिवर राफ्टिंग हो रही है, इसको करनी हो वो तो चलो आपको मिल जाएंगे काफ़ी वीडियोज़। यार बीच में यार गंद भी डाला हुआ है लोगों ने, ये तो गलत बात है यार। बाकी व्यू यहाँ से, और यहाँ से पानी जा रहा है, पानी वाला और पहाड़ों के साथ जो मिक्सचर बन रहा है ना भाई, भाई गजब, ठीक है ना भाई। अंधेरा होने वाला है, मैंने कहा चल एक आधी फोटो दोबारा खींच लें यार, दिल जीत लिया यार, व्यू ने दिल जीत लिया यार, सच में यार बहुत ही कैड़ा व्यू है भाई हमारा,
बहुत ही तगड़ा व्यू है यार यहाँ पर, दिल जीत लिया व्यू ने यार। भाई यार जिंदगी के असली मजे पता कौन ले रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा पापा जी बताएंगे, पापा जी का व्यू देते हैं। कौन ले रहा है जिंदगी के असली मजे? जो व्लॉग देख रहे हैं। ये आपने सच में यार दिल की बात कह दी मेरे, सच में यार जो व्लॉग देख रहे हैं ना वो असली मजे ले रहे हैं मेरे साथ, वो भी सारा फ्री फंड में आपको घुमा रहा हूँ यार। लेकिन यार कैमरा जो जस्टिस नहीं कर सकता ये ब्यूटी को, बहुत ही तगड़ी ब्यूटी है यार, इतना बढ़िया व्यू, साथ में गोलगप्पे हो गए, सामने फोटोज होगी, रीले होगी, भाई देखना आप इंस्टा पे जाके दिल खुश हो जाना अपना। सामने रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं लेकिन अपने पास इतना जिगरा नहीं है अभी, जब अपने पास जिगरा आ जाएगा ना तो हम भी करेंगे रिवर राफ्टिंग, अभी तो यार रिवर राफ्टिंग करने जाना जिगरा नहीं आया मैं, क्योंकि डरता हूँ यार थोड़ा बहुत भी, आ गया जिगरा तो फिर आ जाएंगे यहाँ पर, नहीं तो ऋषिकेश में कर लेंगे, बाकी देखते हैं। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं यार हम, सीधा मॉल रोड एंटर हो गए हैं, मॉल रोड पे ही होटल था कोई, वो देखने गए भाई, पापा जी डन कर रहे हैं ऑनलाइन, फोन कर दिया था जो भी था, क्योंकि हम तो बताएंगे नहीं यार क्योंकि कोई प्रमोशन फ्री में नहीं मैं करता, वैसे करनी हो तो फिर नीचे दिया हुआ ईमेल वगैरह वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, बाकी देखते हैं। बहुत ही टायरिंग तो नहीं कह सकते यार, क्योंकि बाद में मेरे को वो जो व्यू दिखाए मैंने आपको बहुत कैसे बढ़िया लगे होंगे, बाकी देख लेंगे अभी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करना है कि थोड़ा बहुत घूम के फिर एंड करना है, बाकी जो भी होगा यार लाइक शेयर आप करके जाना यार, ऐसे मत जाना क्योंकि किसी की मेरे को उम्मीद रहेगी कि बड़े बड़े व्लॉग्स डालूंगा मैं और मोटिवेट रहूंगा यार, और ज़्यादा घूमने वाली जगह आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया, बाकी यार ऐसे ही है, अभी मैं बंद करता हूँ वो देखता हूँ मैं भी, रूम वगैरह डन करें फिर सामान वगैरह रखें फिर उसके बाद देखते हैं घूमने का कल कहाँ जाना है, वो तो कल के व्लॉग में पता लगेगा आपको, बाकी स्टे ट्यून्ड। तो ठीक है गाइस मनाली आ चुके हैं, मॉल रोड में आपको बारी मैंने रूम ले लिया सीधा, वो आपको बताया था मैंने रूम का, अभी मैं देख लूंगा अगले वीडियो में आपको टूर दे दूंगा क्योंकि भाई अभी तो थक गए हैं, अभी देखते हैं रिलैक्स वगैरह करके बाकी फ्रेश वगैरह होकर फिर जाएंगे कुछ खाने पीने, वो बाकी सारी डिटेल्स आपको अगले व्लॉग में मिलेंगी, और अगले व्लॉग से भाई शुरू कर देंगे एक्सप्लोर करना मनाली को, फिर आगे भी जाना कहीं घूमने एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको, इसलिए चुपचाप करके भाई आप सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे मत करो यार सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन दबा के फिर ही जाना है, और रूम बहुत बढ़िया मिल गया हुआ है, बढ़िया इन द सेंस कि मॉल रोड से बिल्कुल बाहर निकलते ही पैर रखते ही मॉल रोड है, और नीचे रेस्टोरेंट वगैरह भी, वो मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल शेयर कर दूंगा आपके साथ प्राइस वगैरह और रूम टूर दे दूंगा, बहुत डिसेंट रूम है, और पीछे टी वी वगैरह भी, वो तो हम चल देखेंगे नहीं, एडिटिंग करने में टाइम लग जाएगा यार जब भी रूम में आएंगे, तो यार मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लाइक करके शेयर करके कमेंट करना कि अच्छा लगा जो मैंने आपको जगह दिखाई है, व्यू दिखाए हैं जो पानी के साथ जी कुल्लू मनाली में, बाकी मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।